मैंने वर्ल्ड में पूरा सैक्रीफाइस करके मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बननी थी पूरा बारह साल की बात वेट में कोई भी नहीं ले पाया था मेडल वर्ल्ड में कुछ अच्छा बनना है तो सेक्रीफाइस भी करना बहुत ही जरूरी है वेट लिफ्टिंग में डिपेंड्स करते हैं कि हम मतलब की है कुछ नहीं कर सकती वैसा वो सारे होती है पर मैं इंडिया का एक वुमेन की तरफ से मैं बोलना चाहती हूँ कि हम भी कुछ कर सकते हैं

इवेंट uh, और मेरा करियर की भी और सारी इंडिया के लिए भी तो मुझे बहुत ही बड़ा इवेंट है और मेरे लिए भी वो सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं वे लिफ्टिंग में अः दिखाना है कि आ, हम कुछ कर सकते हैं वे लिफ्टिंग को इंडिया के लिए और वर्ल्ड के भी ऊपर नाम को ऊपर करना है तो इसलिए सबसे बड़ा है टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतना मेरा कोर्स आपको मेडल फेवरेट कहा जाता है इट्स आल्सो बिकॉज यू आर इन दॉप फाइव वेट लिफ्ट इन द 49 केजी कैटेगरी और मोर इम्पोर्टेंटली एक्चुअली चाइना के उसमें तीन वेट um, लिफ्टर्स हैं और एक नॉर्थ कोरिया के हैं ऑफकोर्स हिंदी ओलंपिक चाइना बस एक वेट लिफ्ट भेज सकता है नॉर्थ कोरिया दे वोंट कम्पीट इस बार एट द टोक्यो ओलंपिक्स यू नो सीडिंग वाइज आप नंबर टू सीड होंगी सो यू नो दैट इज वाई

नहीं देते मेरा फोकस है ओलंपिक में मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस देख के मेडल लेना और इंडिया के लिए इंडिया को प्राउड करना <laughs> मेरा ऑफकॉर्स हम आपको कम्पीट करते हुए बहुत साल हो गए हैं दैट वी बिन सीन यू कम्पीट एंड यू नो विन द बिगेस्ट ऑफ प्राइजेज बट दैट ऑफ कॉर्स ऑल्सो लॉट्स ऑफ सैक्रीफाइजेज यू मेड मैं उस दिन uh, एक वीडियो देख रही थी जिसमें आपने बोला कि आपने घर वालों को रिक्वेस्ट की कि आपकी बहन की शादी पोस्टपोन कर दी जाए ताकि आप अटेंड कर पाए क्योंकि उस वक्त आप नहीं कर पा रही थी तो दीजा सेक्रीफाइजिज यू नो एज एन एथलीट यू हैड टू मेक कुछ रिग्रेट रहता है इन चीज़ों के बारे में कि यू नो दिग द बिग पिक्चर ऑलवेज यू नो इट कम्स थ्रू टी जी वही है जो भी हम कुछ करने चाहते हैं हमारी ड्रीम्स को पूरा करने चाहते हैं किसी ना किसी का सेक्रीफाइस तो करना पड़ते हैं उनके तो मैं इधर कितने सालों से हूँ वे लिफ्टिंग के लिए तो सब घर में कुछ भी होते हैं तो मैं ऐसे डायरेक्ट मना करती हूँ क्योंकि मुझे वे लिफ्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे एक अच्छा प्लेयर अच्छा प्लेयर मुझे बनाना है तो इसलिए मैंने मेरा दीदी का शादी भी नवंबर नवंबर में थी तो टाइम मेरा वर्ल्ड कॉम्पिटिशन था तो इसीलिए मैंने भी बहुत बार बोला था कि पोस्टपोन करो क्योंकि मैं अटेंड करना तो चाहती हूँ फिर भी ऐसा आ, हो जाते हैं कि कभी घर का कुछ होते है तो मेरा कॉम्पिटिशन आते है तो ऐसा ही तो ये मेरे लिए आ, लग, अच्छा के लिए भी है क्योंकि मैं फोकस कर सकती हूँ कि मेरा वेलिंग में तो इतना बुरा भी नहीं लगती क्योंकि मैंने वर्ल्ड में पूरा सैक्रिफाइस करके मैंने वर्ल्ड चैंपियन बनने थी पूरा 12 साल की बात वेलिंग में कोई भी नहीं ले पाया था मेडल वर्ल्ड में तो मैंने पूरा सैक्रिफाइस करके मैंने 12 साल के बाद मेडल जीती थी तो ये सबसे अच्छा

ही टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलम्पिक्स आप लोग एक साथ ट्रेन करते हैं यू बिन टूगेदर यू नो इन कैम्प्यूर्स नाउ सो व माहौल इन दैंप लाइकेंज नो सीन हाउ मच यूल हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम एक ही होल में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं सब साथ में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम ऐसा कभी कभी उनको भी कभी डाउन हो हो जाते है ऐसे तो नहीं है कि हम आ, हर दिन अच्छा करते हैं वो सब वो होते नहीं है कभी डाउन हो जाते हैं तो तब हम बातें करते हैं कि आज क्यों नहीं हुआ तो आपके टिकनिक में ऐसा थोड़ा सा खराब है ये डाउन है तो इसको थोड़ा सा अच्छा और करना चाहिए एथलीट ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं uh, campaign, uh, uh, आपको लगता है बहुत एप्ट रिलेट कर पाती हैं आप उस लाइन uh, से इम्पॉसिबल इज एक्चुअली नथिंग फॉर यूसिबल इज नथिंग Uh, मैं कहना चाहती हूँ कि यह सब पॉसिबल है हम हमारे ऊपर होते हैं कि सब को हम पॉसिबल कर सकते हैं हम दिखाना है इसको करके दिखाना है तो मैं कर, कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे अंदर जो होते हैं उसको करके दिखाएगी तब पता चलेगी इंडिया ने हम क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है तो ये मुझे, मेरे लिए तो सिर्फ पूरा भारत को दिखाना है कि यह मूमेंट है छोटी लड़की हूँ <laughs> तो मैं करके सबको दिखाऊंगी तो इसको आ, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके जो कुछ अंदर से निकाल के सबको दिखाना चाहते हो करके भी दिखाऊंगी और इंडिया को प्राउड भी करूंगी